तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दमन में। गुजरात के पास एक छोटा सा शहर है, उसका नाम है दमन। आज हम जाने वाले हैं अपनी जिठानी जी के साथ स्कूटी पे, और बाकी आपको रास्ते में घुमाते हुए ले जाएंगे और क्या क्या दिखाते हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों हम जा रहे हैं स्कूटी से, मैं आपको आगे का नज़ारा दिखा देती हूँ। साथ में बैठी हुई है मेरी जिठानी जी जो कि स्कूटी चला रही हैं, और पहली बार जा रही हूँ मैं अकेली अपनी जिठानी के साथ। तो दोस्तों बरसात का सीज़न चल रहा है, तो बारिश की वजह से कई जगह छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, और मौसम देख सकते हो आप यहाँ का बड़ा सुहाना हो रखा है। मसाल चौक, तो मसाल चौक से आगे निकल आए हैं ये, और ये बच्चे जा रहे थे गाड़ी में, बच्चे हैं या बड़े हैं स्कूल जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे थे। तो वो यही आ गए क्या मंदिर? नहीं नहीं, ये तो पार्क है, इसका बना आते हुए बना लेंगे, तो आते हुए हम आएंगे, उतर जाऊँ फिर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक गार्डन दिखाती हूँ, इसको कहते हैं लेक गार्डन, क्योंकि यहाँ पे एक लेक बनी हुई है, उसके पास ये छोटा सा गार्डन है। तो दोस्तों ये छोटी सी लेक है, और इसको धोबी तालाब भी बोलते हैं, हो सकता है यहाँ पे पुराने टाइम पे धोबी लोग कपड़े धोते रहे होंगे, तो इसलिए हो सकता है इसको धोबी तालाब कहते हो। तो ये वैसे एक छोटी सी लेक है, और पानी देखो हरा हरा सा कलर का पानी है इसका। तो ये पूरा यहाँ पे घूमने का, ये देखो हाँ किनारे 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 इसमें राउंड काट सकते हो, ये पूरा किनारे से मतलब ये पूरा गोलाई में है, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। उधर बच्चों के झूले लगा रखे हैं, किनारे पे पेड़ हैं, कुछ नारियल के हैं, कुछ खजूर के पेड़ हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे कछुए हैं, शायद दिखाई दे ना दे, और फिश भी है इसके अंदर। तो ये देखो कछुआ आ रहा है और फिश भी आ रही है साथ में, क्या पता इसके अंदर दिखाई ना दे रहा हो। आ जा जरा किनारे पे, वीडियो में आ जाएगा, देखो आ जा आ जा आ जा, शाबाश, नहीं चला गया, और साथ में मछली भी है उसकी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये छोटा सा लेक गार्डन। लेक गार्डन इसका नाम इसीलिए क्योंकि ये छोटा सा गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पे एक छोटी सी लेक है, यानी छोटी सी झील बना रखी है। है तो छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, और यहाँ कटिंग चल रही है इसकी, ये देखो, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रही होगी तो हो सकता है कटिंग नहीं करी थी, आज कटिंग हो रही है देखो। और कितना अच्छा डिज़ाइन दे दिया इन्होंने, हाँ। तो ऐसे इस तरह से यहाँ पे भी लोग घूमते हैं, अभी तो यहाँ पे पानी दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे भी घूमते हैं ऐसे, पार्क के बीच में चले जाओ, और यहाँ देखो इन्होंने पत्थरों के बेंच टाइप के बना रखे बैठने के लिए, पेड़ के आसपास अपना बैठ जाओ आराम से, कितने सारे बना रखे हैं। तो यहाँ पे कछुए भी घूम रहे हैं, मछली भी घूम रही है पानी के अंदर, मतलब झील के अंदर। तो चलिए मार्केट है, अंदर को ये सब्जी मार्केट है, हाँ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं सब्जी मार्केट,
तो ये आपने देखा, ये यहाँ का मार्केट है और रास्ते पहुँच गए मंदिर। हाँ तो पहुँच गए दोस्तों मंदिर, और रास्ते थोड़े से टूटे फूटे हैं क्योंकि यहाँ नए रास्ते बनने वाले हैं। अब तो सामान यहाँ पे आया हुआ है देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी नई सड़क बनेगी। दोस्तों सावन के सोमवार चल रहे हैं तो लोग आए हुए हैं यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों ये दमन का सबसे पुराना मंदिर है गणपति जी। अच्छा गणपति जी पानी में जा लो। हाँ हाँ ये देखो छोटे से यहाँ पे गणपति जी हैं, शायद साफ दिखाई ना दे रहे हो, तो शुरुआत गणेश जी से ही करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं, जैसे दोनों साइड शिवलिंग है छोटे छोटे, और बीच में एक बड़ा सा शिवलिंग है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे था कान्हा जी का मंदिर, और इस तरफ है हनुमान जी का मंदिर, मतलब बीच में भोलेनाथ का मंदिर बना रखा है, और उसके साथ ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं दो, एक ही साथ है, मतलब एक ही भवन के अंदर सारे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे ये है माता रानी का मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे तिलक खुद ही लगाया जाता है। नेगी एंड बिष्ट फैमिली, नेगी एंड बिष्ट फैमिली। ओके तो भोलेनाथ के मंदिर के साथ ही यहाँ पे ये राम जी का मंदिर भी बना हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर, और यहीं पे छोटे से कान्हा जी बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जिनको क्या कहते हैं। यहाँ पे माता रानी का है, और वहीं यहीं पे नीचे छोटे से लड्डू गोपाल हैं, राम राम पंडित जी, ये हैं इस मंदिर के पंडित जी। और दोस्तों ये है राधा किशन का मंदिर, और यहाँ पर भी छोटे से लड्डू गोपाल हैं। तो तीनों मंदिरों में लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये बहुत पुराने मंदिर हैं, और इन मंदिरों को नए रूप में ढाला है, मतलब नए तरीके से इनको बनाया गया है। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। तो अब हमारी जिठानी हमारे को लेके जा रही है जो यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है उसको दिखाने के लिए। तो चलो आप भी मेरे साथ, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का स्टेडियम। तो ये लिखा हुआ है देखो, स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं दमन के विवेकानंद क्रिकेट मैदान में, इसको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है तो बारिश हो रही है, जैसा कि बारिश का मौसम है तो बारिश होती रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा ग्राउंड है, ये यहाँ पे सारे गेम्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं स्पोर्ट्स हुए थे, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरे कैमरे में पानी चला गया, हो सकता है वीडियो में भी पानी दिख रहा हो। चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्रिकेट मैदान है ये पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, इसके किनारे चारों तरफ जो है पेड़ लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ, इधर उस तरफ, ये यहाँ पर नहीं उस तरफ, पूरा ग्राउंड में इस तरह से पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। तो बारिश हो रही है, मेरी जिठानी जी अपनी स्कूटी लेकर आ गई हैं, तो स्कूटी में निकले हुए हैं आज हम दो अकेले घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने घर की तरफ, और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी। तो धन्यवाद।